तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्जर्स के बारे में। मर्जर से मैं आपको कैसा एग्जांपल दूं, सबसे पहले तो अभी आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में बैंक मर्जर हुआ था, बड़े 4 बैंक्स बन गए थे, कई बैंक कंबाइंस होके, ठीक है, और बाकी बैंक्स तो हैं अदर्स भी। तो इस तरीके से क्या होता है मर्जर, ये होता है कि जब दो कंपनीज या दो एंटिटीज आपस में आके कंबाइन होती हैं और उसके बाद में वो वर्क कर रही होती हैं साथ में। इसमें ये डिपेंड करता है कि वो जो दो कंपनीज हैं वो सेम टाइप का काम कर रही हैं या फिर ऐसा काम कर रही हैं जो दोनों से इंटरलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग का ए लेवल और बी लेवल का पार्ट है। ये डिपेंड करता है मर्जर अलग अलग तरीके से, लेकिन मर्जर का मेन मतलब यही होता है कि जब दो कंपनीज आपस में कंबाइन हो रही होती हैं। फिर इस केस में क्या होता है कि हो सकता है वो दोनों अपनी पुरानी एंटिटीज को बंद करके नई एंटिटी को कर रही हो, या फिर एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करके एब्जॉर्व कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों कंपनी पुरानी एंटिटी को बंद करके नई बना रही है तो वो एक नया नाम डिसाइड करेंगी, हो सकता है दोनों को नेम को जोड़ के वो नाम हो या फिर कोई न्यू नेम हो, या फिर अगर एक टेक ओवर कर रही है तो वो एक कंपनी अपना बड़ा नाम रखेगी और दूसरे वाले को तो दबा देगी या छुपा देगी, ठीक है। इस तरीके से वो काम करते हैं। अब ये क्या होता है कि जब ये मर्जर्स होते हैं तो वो किस किस एरियाज में हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा, किसी भी क्षेत्र में मर्जर जो है वो होना एक कॉमन सी बात है। मर्जर जो होते हैं वो सिर्फ दो तरह के होते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल मर्जर। इस केस में क्या होता है, जब दो बिजनेस सेम टाइप के एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हुए आपस में मिल जाते हैं तो हम लोग उनको मर्जर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चश्मे का फ्रेम बनाने वाली कंपनी दूसरे चश्मे के फ्रेम बनाने वाली कंपनी से जुड़ गई तो वो एक तरीके से हमारा हो सकता है हॉरिजेंटल मर्जर। इस टाइप के कॉम्बिनेशन में एंटी ट्रस्ट इश्यूज करते हैं इंडस्ट्री में, जैसे मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उन लोग के जो आपस में डीलिंग्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो साथ में सेम होने चाहिए। अगर वो अलग अलग होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि जीएम और फोर्ड में बी नॉट अलाउड टू मर्ज बिकॉज ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉज, उनके अपने ट्रस्ट लॉज जो हैं वो अलग अलग हैं, इस वजह से वो कंबाइन ना हो, भले वो एक ही कंपनी जो दोनों है वो काम करती हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर तब होता है जबकि दो बिजनेसमैन एक तरह का सेम सप्लाई चेन में काम करने वाला काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केएफसी का एग्जाम्पल दिया गया, अगर चिकन फर्म केएफसी से कंबाइन कर ले तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो दोनों का एक तरीके से मर्जर जो है बहुत बढ़िया होगा क्योंकि दोनों को एक दूसरे की नीड है। या फिर मैं एक बात करूं कि अगर कोई चश्मे के फ्रेम की कंपनी है तो अगर वो स्टील कंपनी के साथ मर्जर कर ले तो वो बड़े प्रोडक्शन में स्टील के चश्मे जो टाइटेनियम फ्रेम से इस तरीके से फ्रेम्स होते हैं स्टील वाले प्रॉपर, उनका कर सकती है, और प्लास्टिक के साथ कर ले तो वो प्लास्टिक फ्रेम्स को भी, हार्ड प्लास्टिक फ्रेम्स को भी बना सकती है। तो इस तरह का मर्जर जो है वो एक तरीके से वर्टिकल मर्जर हो गया। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं बीटा यूट्यूब लाइव लर्निंग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।